बॉलीवुड की सबसे यंग एंड बबली एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल आलिया भट्ट हमेशा अपने लिंकअप और ब्रेकअप की खबरों से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में आलिया अपनी अपकमिंग फिल्म डियर जिंदगी के को-स्टार कुणाल कपूर के साथ फिल्म को प्रमोट करती एक इवेंट में नजर आई और इसी दौरान कुणाल से डेटिंग प्रोसेस के बारे में जब पूछा गया और जब कुणाल बताने लगे तो आलिया ने उन्हें टोकते हुए रोक दिया और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। लवली बबली आलिया खुद डेटिंग प्रोसेस बताने लगी। लगता है बेबी आलिया कुणाल से ज्यादा डेटिंग प्रोसेस के बारे में जानती हैं। आई जस्ट फील दैट लाइक माइंडेड पीपल और जहां आप एक कॉन्वर्जेशन हो सकते सकता है व्हेन यू कैन रियली कनेक्ट विद द पर्सन एज अपोज टू जस्ट फ्रिवोलसली डेटिंग एंड आई एम नॉट अ पर्सन टू जज दैट आइदर so something like that if people want to do and I genuinely believe that Tinder is a great opportunity for people across the world to meet like-minded people and to hang out with them and it's not only for people who want to date it's also for people who like people like suppose like who don't have time to really go out and socialize sometimes you're in a new city or in your own city you want to just hang out have a nice quiet dinner you know meet people have conversations and you can interact with people you can chat with them you can find out what they're all about So I think it's a great way to interact with people and broaden your, you know, your mind. जब मर्जी हुई तब दे दिया। कुणाल, आप बताएं, has there any change in the dating process? Like you have been like seen both the generations, like this generation. But what do you mean by process? Process क्या होता है? मुझे तो बहुत बुढ़ा बना दिया है इन्होंने। No, I want to know process. मतलब थोड़ा सा थोड़ी ना ओके कि हम लोग कचुंबर नहीं बना रहे कि पहले आलू काकड़ी काटेंगे फिर मिर्ची डालेंगे फिर वो करेंगे प्रोसेस नहीं होता है यू मीट समबडी राइट इफ यू फील दैट पर्सन इज इंटरेस्टिंग यू गो ऑन अ कपल ऑफ डेट्स एंड देन इफ इट्स रियली नाइस देन यू दैट पर्सन बिकम्स योर बॉयफ्रेंड स्लैश और गर्लफ्रेंड सिंपल है ना प्रोसेस थोड़ी होता है। डियर जिंदगी में शाहरुख खान भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म इस साल 25 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। Honest Report.